पहाड़ों की धरती राजस्थान। एक बार फिर लॉकडाउन की बेड़ियां खुलने के बाद लोक कलाकारों और वादकों के धुन से गुलजार हो उठा है। बंदिशें हटने के बाद लोक कलाकार एक बार फिर सड़कों पर नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए राजस्थान के पर्यटन स्थलों, किलों और महलों के गेट को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। 72 दिनों के बाद एक बार फिर जयपुर की फिजाएं पर्यटकों के स्वागत के लिए पलके बिछाए तैयार हैं। आमेर महल में शहनाई और नगाड़ों की धुन पर लोक कलाकारों के थिरकते पैर लॉकडाउन के सन्नाटे को जैसे चीर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों को खोल दिया है। फिलहाल सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को ही पर्यटक स्थल सैलानियों के लिए खुलेंगे। साथ ही एक बार फिर लोगों को समृद्ध विरासत की ओर खींचने और रूबरू कराने के लिए पहले 2 सप्ताह प्रवेश निशुल्क रखा गया है। कोरोना ने न सिर्फ वक्त बदला बल्कि सैनिटाइजर, मास्क को भी जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। राजस्थान के लोकगीतों का खुमार पर्यटकों पर भी खूब चढ़कर बोलता है। अनलॉक होते पर्यटन स्थलों से लोक कलाकारों की आंखों में एक बार फिर किले और महलों के आबाद होने की उम्मीदें दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।